नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर ऑटो हब की एक और फ्रेश वीडियो में। तो भाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमजी हेक्टर प्लस वेरिएंट, जो कि भाई 2023 में अभी न्यूली लॉन्च हुआ है एंड इसमें कुछ अपग्रेड्स भी कराए गए हैं। ये आप कह सकते हैं एक फेसलिफ्ट होने वाला है हेक्टर वेरिएंट का। हेक्टर प्लस में भी फेसलिफ्ट आप देख ही रहे हैं। तो भाई चलिए डिटेल में बात करते हैं कुछ कार के बारे में, क्या कुछ इसकी प्राइसिंग रहेगी, क्या फीचर्स रहेंगे एंड क्या इसके एक्सटीरियर लुक्स होने वाले हैं, क्या क्या नए चेंजेस करे गए हैं। भाई अभी कार का लुक तो आप भाई देख ही रहे हैं, क्या शानदार लग रही है अपने सेगमेंट में। भाई बैक प्रोफाइल से अगर मैं शुरुआत करूं तो भाई इसके टेल लाइट्स में चेंजेस करे गए हैं। नीचे हेक्टर की बैजिंग मिल जाती है एंड उसी बगल में प्लस की भी बैजिंग मिल जाएगी। एडवांस फीचर भी इसमें एड ऑन कर दिया गया है एंड जो बम्पर है उसमें भी भाई आपको फेक डिफ्यूजर्स प्रोवाइड करे गए हैं। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड कैमरा भी प्लेस करा गया है। साइड प्रोफाइल से अगर भाई आप इसके अलॉयज देख रहे हैं तो भाई बहुत ही शानदार डायमंड अलॉयज प्रोवाइड करे गए हैं एंड रियर में भी अब आपको डिस्क ब्रेक्स मिलने लगी है। बाकी जो डोर हैंडल्स है इसमें काफी बढ़िया क्रोम का भी एक स्ट्रिप एड ऑन कर दी गई है। ग्लॉसी ब्लैक में आपको इसके ओवरियंस मिल जाएंगे जिसमें टर्न इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट हो जाती है। बाकी भाई फ्रंट लुक में जो सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं वो भाई आए हैं इसी ग्रिल में। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया है, इसमें स्क्वायर शेप में ग्रिल प्रोवाइड करेगी। ब्लैक इंसर्ट के साथ बहुत ही तगड़ी लग रही है। जो DRL है, हेडलाइट की प्लेसमेंट है वो सेम ही रखी है। मेन चीजें भाई ग्रिल में कराए गए हैं एंड जो लोअर ग्रिल है उसमें आपको क्रोम का फिनिश देखने को मिल जाएगा। भाई साइड में क्लैडिंग देख सकते हैं जो कि रॉ ब्लैक में आती है एंड क्रोम का भी इंसर्ट जिसमें आपका MG मॉरिस गैराज लिखा हुआ है, काफी सही लग रही है। भाई ऊपर में आपको भाई पैनोरामिक सनरूफ तो भाई मिलती ही है, शॉकवे एंटीना हो गया, रूफ रेल सिल्वर कलर से मिल जाएंगे एंड जो ये डुअल टोन वेरिएंट है आपका व्हाइट प्लस ब्लैक के कॉम्बिनेशन में एक काफी तगड़ा लग रहा है। आपके जो फीचर्स हैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे एंड प्लस जो इसके डायमेंशन है वो भी आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होंगी। तो भाई आप चलते हैं कुछ बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, भाई उसमें भी क्या कुछ इसमें मिल जाता है। तो सबसे पहले भाई अगर आप इसका कुछ देखते हैं इंटीरियर तो भाई इसमें आपको मिलते हैं फुल्ली लेदराइज्ड अपहॉल्स्ट्री एंड जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा कॉफी ब्राउन एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। बैक प्रोफाइल में आपको वाइपर वॉशर डिफॉगर भी मिल जाता है। भाई इंटीरियर की बात कर लीजिए आप तो भाई देख रहे होंगे कितना बढ़िया इसमें इंटीरियर प्रोवाइड करा गया है। ब्लैक एंड बेसिक कॉम्बिनेशन में सामने वाली सीट आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल्स मिल जाएंगी एंड ऑल फोर पावर डोर कंट्रोल्स एंड जो इसके हैंडल्स है वो भी आपको मिल जाता है स्लाइडेबल के साथ ही। एंड इसमें बेस्ट इन सेगमेंट फर्स्ट इन सेगमेंट आया है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब मैं ये कहूँगा कि बिगर इन साइज है, आपको वर्टिकल शेप में मिलेगा जो कि फुली टेस्ला वाली लुक आपको देने वाला है। इसमें आपको एडास रेडार फीचर भी मिल जाता है जिससे आपकी इन्हेंस हो जाती है ड्राइविंग एबिलिटीज़, बहुत अच्छे से आप इस कार को ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि भाई बहुत ही एडवांस कार रहने वाली है। जैसा कि मैं MG कहती रहती है कि इंटरनेट इनसाइड, तो भाई आपको फुल्ली लग्जरी वाला फील तो भाई आएगा ही आएगा इस कार में। इसमें आपको टोटल मिलते हैं 6 एयर बैग्स जो कि भाई सेफ्टी के पर्पज से देखे जाए तो भाई काफ़ी सही है। एंड जो लुक है सेकंड डोर का भी वो भी देख लीजिए, स्पीकर पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं एंड जो डोर हैंडल है वो भी आपको सिल्वर में ही प्रोवाइड करे गए हैं। इसमें आता है बोथ का म्यूजिक सिस्टम, नीचे आपको स्पीकर एंड ऊपर आपको ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी एंड जो इसमें सेकंड सीटिंग है वो भी आपको कैप्टन सीट में प्रोवाइड करी गई है। तो भाई को पैसेंजर साइड भी सीट आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलेगी एंड भाई डैशबोर्ड लुक आप देख रहे हैं, भाई AC वेंट्स की प्लेसमेंट बहुत अच्छी तरीके से करी गई है एंड जो इसकी सेकंड डोर है भाई उसमें आपको कैप्टन सीट मिल जाती है एंड सेपरेट हैंडल्स भी आपको इसमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। वहीं अगर मैं थर्ड रो की बात करूं तो भाई इसमें स्पेस थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिलेगा, मगर भाई लग्जरी वाला फील बिल्कुल आएगा क्योंकि भाई फुली लेदराइज्ड अपहॉल्स्ट्री यूज़ करेगी एंड थर्ड रो तक आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छी कूलिंग करते भी हैं एंड आपको चार्जिंग सॉकेट भी दिए गए हैं। सेकेंड रो सीट आपको टम्बल डाउन करनी पड़ेगी हर लीवर से ही क्योंकि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट्स नहीं दिए गए हैं एंड थर्ड रो में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड चार्जिंग पोर्ट भी प्रोवाइड करे गए हैं। तो भाई बोर्ड स्पेस की कमी तो भाई रहेगी अगर आप थर्ड रो आप करते हैं, अगर भाई थर्ड रो आप डाउन ही करते हैं तो भाई आपको बूट स्पेस भी अच्छा खासा इसमें मिल जाएगा। भाई मैं ये कहूँगा कि भाई MG ने काफ़ी अच्छा काम किया है अपने फेसलिफ्ट को लाके, जो भाई इसी ग्रिल की प्लेसमेंट है ना भाई सबसे तगड़ी मुझे इस कार में वही लग रही है। बाकी भाई डायमंड अलॉयज एंड जिसमें सेफ्टी फीचर्स एड ऑन किए हैं, 360 वीडियो कैमरा तो भाई पहले से ही आता था, जो पैनोरामिक सनरूफ है वो तो भाई चार चांद लगा ही देती है। तो भाई ये था हेक्टर प्लस का कुछ रिव्यू जो कि मैंने आपको दिया, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लस और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो जल्दी से जल्दी आती रहेंगी। धन्यवाद।